हे फूडीज, तो आज हम बनाएंगे रसंगूरी मूस। इसके लिए हमें एक बोल में कपकेक्स को क्रम्बल कर लेना है, थोड़ा बारीक चूरा करना है। अब ये थोड़ा ड्राई होगा तो इसे प्रॉपर बाइंड करने के लिए हम इसमें मिल्क मेड ऐड करेंगे। आप चाहे तो मेल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, मिल्क मेड मीठा होता है और कपकेक शायद ऑलरेडी मीठा हो, तो आप थोड़ा कम मात्रा में डालिए। अब इसे अच्छी तरह मिला लीजिए और इसमें थोड़ा लाल कलर डाल दीजिए। लाल कलर ऑप्शनल है, बट अगर आप डालेंगे तो ये इसकी खूबसूरती और बढ़ के आएगी। मैं यहाँ अपना घर में बनाया हुआ कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बाहर का भी कर सकते हैं, लिक्विड, जेल, कोई भी कलर चलेगा। अब मैं यहाँ ग्लास जार का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप छोटे ग्लास, आइसक्रीम कप्स, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ग्लास जार में एक लेयर आप हमारे बनाए हुए मिश्रण की डालें, इसे अच्छी तरह मिला लें ताकि ये चारों तरफ से इसे कवर कर ले। जब आप इसे ग्लास जार में फिल कर ले तो उसके बाद हमें इसे 1 घंटे रेफ्रिजरेटर में रखना है ताकि ये प्रॉपर से सेट हो जाए। अब बारी है हमारी सेकेंड लेयर बनाने की, तो सेकेंड लेयर बनाने के लिए हम बटर लेंगे। अब ये बटर सॉफ्ट है, रूम टेम्परेचर में है। ध्यान रखिए, हमें ज़्यादा मेल्टेड बटर नहीं लेना है, ज़्यादा हार्ड बटर नहीं लेना है, प्रॉपर सॉफ्ट बटर लेना है। अब इस बटर से हमें बटर क्रीम नहीं बनानी है, हमें एक क्रीमी टेक्सचर बस चाहिए। तो इसके लिए हम इंग्रेडिएंट वही यूज़ करेंगे जिससे कि बटर क्रीम बनती है, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा अलग होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, बटर में थोड़ा सा कैस्टर शुगर डालना है। अब ये शुगर थोड़ा दरदरा होना चाहिए, प्रॉपर पिसा हुआ नहीं। उसमें हम रबड़ी डालेंगे। ये रबड़ी मैंने घर में बनाई है, इसीलिए मैंने इसमें शक्कर थोड़ा कम इस्तेमाल किया है, ये कम मीठी है। अगर आप बाहर की रबड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको शुगर की प्रपोर्शन थोड़ी कम करनी पड़ेगी। इसे अच्छी तरह से फेंटने के बाद देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर मिला है हमें। अगर आपको ऐसा क्रीमी टेक्सचर ना मिले तो थोड़ी शक्कर और ऐड कर लीजिए, फिर दोबारा फेंटिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया है तो आप इसे फ्रिज में रखिए और उसके बाद दोबारा फेंटिए। अब हम इस तैयार मिश्रण को हमारे ग्लास जार में ऐड करेंगे। पाइपिंग बैग से अगर आप ऐड करेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। दोनों जार में हम अच्छी तरह से इसे ऐड कर लेंगे और उसके बाद इसे फिर से 1 घंटे रेफ्रिजरेटर में फ्रीज होने रख देंगे ताकि ये प्रॉपर सेट हो जाए। अब देखिए, हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब बारी है इसमें तीसरी लेयर ऐड करने की, जो कि हमारी रबड़ी की होगी। अब जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि ये रबड़ी मैंने घर में बनाई है और इसी के लिए बनाई है, इसीलिए ये कम मीठी है। देखिए, इस तरह अच्छे से एक लेयर ऐड कर लीजिए। अब जब ये रबड़ी ऐड हो जाए तो उसके बाद हम इसे 1 घंटे और फ्रिज में रखेंगे। अब बारी आती है चौथे लेयर की, तो चौथे लेयर के लिए हम रसगुल्ले निकाल लेंगे रसमलाई से और उन्हें 2 हिस्सों में काट लेंगे। अब हम हमारा ग्लास जार निकालेंगे फ्रिज से और उसमें एक लेयर चॉप पिस्ताचिओ की डालेंगे। जब ग्लास जार में अच्छे से पिस्ता डाल लें तो उसके बाद हम उसमें हमारे रसगुल्ले ऐड करेंगे। और इसे अच्छी तरह दोबारा हम पिस्ता और रोज़ पेटल से गार्निश करेंगे। अब इसे फिर से फ्रिज में रखिए केवल आधे घंटे के लिए और आधे घंटे बाद आपका मूस तैयार है।